कड़क एकदम कड़क, मस्त है मूवी। बहुत ही एवरेज लगी। हीरोइन तो सेक्सी थी यार। बहुत अच्छी थी। नंगा विंगा कुछ नहीं दिखाया यार, बिना मतलब का पिक्चर का सत्यानाश कर रहे हैं लोग। इसके लिए सेकंड हाफ मुझे पसंद नहीं है। सेकंड हाफ कहाँ ना कहाँ खिचड़ी बना दिया उन्होंने। हीरो मेरे को रणवीर कपूर, वो रणवीर का वो जॉनी लीवर मस्त लगा। अच्छी पिक्चर थी। जॉन का काम बहुत अच्छा है। अर्जुन को ठीक नहीं, इतना खास नहीं लगा। जॉन का एंट्री अच्छी थी। हीरोइन तो सेक्सी थी यार। जी बिल्कुल। पिक्चर तो मुझे बहुत ही एवरेज लगी। जो एक्सपेक्टेशंस थी जब भी मैंने ट्रेलर देखा था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। एक महीने पहले रिलीज़ हुई थी ट्रेलर, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफ़िल नहीं कर पाई, बिकॉज स्टोरी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। डायरेक्शंस अच्छा है, मोहित सूरी एज यूजुअल, एंड मुझे सबसे बेस्ट लगा अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर ही स्टोल द एंटायर शो। उसके अलावा तारा सुतारिया, दिशा पाटनी का ओके लगा, बट जो मज़ा, जो मतलब बेंच मार्क एक विलन पार्ट वन ने छोड़ा, जिस मतलब कि क्रिएट किया ना, वो नहीं कर पाई। मेरे हिसाब से ये की गड़बड़ हो गई कि आप एक विलन रिटर्न्स पार्ट टू बना रहे हो, यू आर सपोज टू कंटिन्यू दैट स्टोरी। सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके आगे लेके जाना चाहिए था स्टोरी। इन लोगों ने नया स्टोरी लेके आए तो वही मोस्टली वही उधर ही गड़बड़ कर देती है मूवी। जितना भी हिस्ट्री में आप देख सकते हो, अभी जॉन अब्राहम की एक मूवी आई थी सत्यमेव जयते 2, उन्होंने कम्प्लीटली नया स्टोरी बनाया। इसके पहले रेस 3 इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। हाँ भले कलेक्शंस अच्छी की, बट लोगों को पसंद नहीं आई। वही बात होती है कि आप स्टोरी कंटिन्यू नहीं करते हो तो पार्ट टू कहने का कुछ मतलब ही नहीं है। सॉन्ग्स एक मतलब गलिया सॉन्ग अच्छी लगी, बट आप फिर से कंपेयर करोगे पार्ट वन के साथ, वो तो बहुत ही मेलोडियस थी। इसमें बहुत ही ऐसा बोल सीन दिखाया। जब भी सॉन्ग भी आया था यूट्यूब में, बहुत सारी कंट्रोवर्सी सब चली कि बोल सीन्स बहुत दिखाया है, फैमिली के लिए नहीं है। बट मुझे देखा जाए ओवरऑल मूवी में इतना बोल सीन्स नहीं थे, बट देखने लायक भी कुछ नहीं है। फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली ऑडियंस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी ये मूवी। अर्जुन कपूर का काम एकदम बेस्ट। उनका जो तेवर है ना, मतलब वो गैंगस्टर लगते हैं आफ्टर गुंडे उनकी मूवी आई थी 2014 में, वो उन्होंने बेस्ट काम किया। जॉन अब्राहम सही बोलो, तारा सुतारिया के ड्राइवर लगे मुझे। मतलब उनका इतना कुछ, वो एकदम साइलेंट रोल दिया, साइलेंट है बट एकदम भड़क जाते हैं ना वही। देखा जाए तो अभी मैं ज़्यादा मूवी के बारे में नहीं बताऊँगा, बट ठीक है, वन टाइम, स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉचेबल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आउट ऑफ 5 मैं मुश्किल से 2 स्टार दूंगा। स्टोरी में थोड़ी गड़बड़ गई, एंड जो मतलब कि मज़ा आना चाहिए था, जो मतलब कि क्रिएट करना चाहिए था बस क्रिएट, वो नहीं कर पाई ऑडियंस को। कुछ ऑडियंस को अच्छी लगेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने एक विलन पार्ट 1 देखा है। उसमें आप देखोगे कि पार्ट 1 में श्रद्धा कपूर का मर्डर हो जाता है, कौन करता है, रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर बताया है ऐसा। हाँ रितेश देशमुख से याद आया, कैम छोटा सा कैमियो दिया है, वो एकदम ज़बरदस्त लगा। उससे पता चलता है शायद से एक विलन पार्ट 3 आ सकती है, शायद से। अभी पता नहीं यार, वो आएगी तो मैं ज़रूर देखूँगा। वो लास्ट में बोलती है ना, शिकायत का मौका नहीं दूंगा करके। हाँ कंटिन्यू करना चाहिए, एंड आई थिंक सिद्धार्थ बट एक चीज़ कंफ्यूजन है कि एक विलन में ही रितेश देशमुख मर जाता है, सेकेंड पार्ट में ये कैरेक्टर को वापस लेके आना, व्हाट मेक्स सेंस, आई रियली डोंट नो। अभी बनेगी तो देखते हैं, बननी चाहिए, लेकिन ऐसी थोड़ी अच्छी एडवांस स्टोरी लेके आओ, या तो पार्ट 1 को कंटिन्यू करो, या हो सकता है कि रितेश देशमुख का कैरेक्टर को वापस जिंदा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बॉलीवुड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बढ़िया पिक्चर थी, कड़क कड़क एकदम कड़क, ब्लॉकबस्टर पिक्चर थी, एकदम झकास, ठीक ठाक है। पहली वाली भी काफ़ी अच्छी थी, ये भी थर्ड सेकंड मूवी काफ़ी अच्छी है। जॉन अब्राहम इज वेरी गुड, एंड अनिल कपूर नेम अरविंद कपूर इज ऑल्सो वेरी गुड, थैंक यू। अच्छी थी पिक्चर, अच्छी है, दोनों के एक्टिंग, जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर दोनों के काम अच्छे, मस्त है मूवी।
मस्त है भाई पिक्चर, अच्छा है। एक बार अच्छा है, अच्छा एक नंबर मूवी है भाई, अच्छी पिक्चर ठीक है, मस्त अच्छी जॉन का काम अच्छा है, अच्छी है, एक नंबर पिक्चर। स्टोरी विलन की स्टोरी मस्त है, हाँ अच्छा है मूवी, बहुत अच्छी थी, थ्रिलर इफ यू वांट मी आई एम गेटिंग लेट, थैंक यू सर, कैसी लगी पिक्चर? अच्छी थी भाई, आप इधर है भाई, कितने सो मैंने देखी एक विलियन रिटन, म्यूजिक इज गुड, द मोहित सूरी डायरेक्शन इज ओके ओके, फर्स्ट हाफ मुझे बहुत पसंद आया, वेरी गुड फर्स्ट हाफ, वाज अ वेरी एक्टिव गेम, मतलब मूवी इज वेरी गुड, सेकेंड हाफ कहाँ ना कहाँ थोड़ी लूज पड़ गई, बाकी फर्स्ट हाफ वॉज एक्सीलेंट, टू गुड, वेरी गुड डायरेक्शन, मोहित सूरी का बहुत अच्छा लगा मुझे, जॉन इब्राहिम का एक्शन बहुत अच्छा लगा फर्स्ट हाफ में, एक्शन वॉज गुड, अर्जुन कपूर का एक न्यू लुक न्यू स्टाइल, और तारा सुतारिया वॉज गुड इन द सॉन्ग शामत, दैट सॉन्ग आई लाइक शामत, तेरी गलिया वॉज ऑल्सो गुड, दिल भी अच्छा गाना था, ओवरऑल मूवी मेरे को फर्स्ट हाफ अच्छी लगी, सेकेंड हाफ आई वॉज नॉट, दिशा वॉज ओके ओके, बट तारा सुतारिया काम थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा मुझे, और जॉन इब्राहिम का काम ज़्यादा अच्छा लगा, जॉन इब्राहिम जब मूवी में आ जाते ना तो मूवी बहुत ज़बरदस्त पकड़ लेती, और सेकेंड हाफ भी मतलब अच्छा है, नॉट बैड, मतलब फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ थोड़ा कम है, लेकिन पिक्चर ओवरऑल वन टाइम वॉच है, या पार्ट वन वॉज फार मोर बेटर देन सेकेंड पार्ट, लेकिन दोनों का किसी ऑपोजिट ही है, फर्स्ट पार्ट जो थी वो रितेश देशमुख थे, शरद मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, वो एक अलग जॉनर की मूवी थी, अलग जॉनर की मूवी, दोनों ऑपोजिट है लेकिन अपने अपने जगह पे, या ये सर जरूर एक्साइटेड लगे, और ये पिक्चर का जो मेन प्लॉट है, मेन सॉन्ग्स आर वेरी गुड, एक गलियां जो पहले से एक फ्रेंचाइज सॉन्ग था, हिट सॉन्ग था, एक ब्रांड बन चुका था, तो वो गाना तो सुपर हिट है, चार्ट मास्टर है, और दिल सॉन्ग भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, और ये शामत सॉन्ग भी अच्छा है, तो पिक्चर सॉन्ग के लिए चलेगी, यंगस्टर्स लोग के लिए चलेगी, कॉलेज लोग क्राउड के लिए चलेगी, और सब यंग्स ऑडियंस इसमें ज़्यादा आएंगे कॉलेज के, मतलब फैमिली के लिए ये मूवी भी चल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ एडल्ट सीन तो नहीं दिखाया, लेकिन फैमिली ये मूवी नहीं आएगी, दिस मूवी विल मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स एंड कॉलेज बॉयज और इनके लिए चलेगी, आई विल गो 3.5 हाफ मार, मैंने इसके लिए सेकेंड हाफ मुझे पसंद नहीं आया, सेकेंड हाफ कहाँ ना कहाँ खिचड़ी बना दिया उन्होंने, थोड़ा अगर सेकेंड हाफ और कम रखते ना, थोड़ा एडिट कर देना मूवी को, तो पिक्चर सुपर हिट हो जाता, और सुपर जो बोलते हैं ना आपको सस्पेंस मूवी देखना है, आपको फर्स्ट हाफ में समझ में नहीं आएगा क्या है, जो कन्फ्यूजन पाके सस्पेंस का मतलब कन्फ्यूजन ना, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो फिर कैसा ये होगा, साइको किलर एक तरफा प्यार वाला आशिक कैसे पागल रहते सर, फिर किसी और का अपना दर्द किसी और के ऊपर जो निकालते हैं, वही दिखाया जॉन इब्राहिम बनने ने, अर्जुन कपूर आफ्टर लाइक काफ़ी तो काफ़ी साल बाद, मैं उसको लगभग लाइक ढाई साल कोरोना के बाद इनका सब मूवी भी देख रहा हूँ, अर्जुन कपूर एक नया लुक आउट आ रहा है, लाइक उन्होंने अपने एक तो मूछ रखे, हल्की सी दाढ़ी रखी, टॉल, ही इज़ ऑब्वियसली टॉल एंड हैंडसम, देयर इज़ नो डाउट, फिर जॉन इब्राहिम के साथ जो उसका एंडिंग ऑफ फाइटिंग आया, जब जॉन इब्राहिम ने शॉट दिया मुझे लग रहा है बंदा भी अपना शॉर्ट सिक्स पैक ना दिखा दे, उस टाइम में वही सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सीरियल, दिशा वॉज लुकिंग हॉट एंड बोल्ड यार, काफ़ी सब जैसा उनका जो लोग शॉर्ट कपड़े, फिर लारा के शॉर्ट डांसिंग, वो बोले शॉर्ट दे लुक हॉट अट्रैक्टिव, जो उनको जो जो बॉडी फिगर जैसा उन्होंने मेंटेन किया है, जो हार्डवर्क दिया है इसमें, लाइक कम्प्लीटली जो कपड़े उनके ऊपर सूट करते हैं, दे वर लुकिंग फैबुलस, एक्टिंग में बोलूँगा तो लाइक उनको दिखाया गया ये लोगों से काम लेना और इस्तेमाल करना, दिशा का जो उनको जो स्क्रिप्ट के साथ डिलीवर किया था, मतलब ही लड़की वो भी अच्छा था, फिर लारा सूत्रा लाइक प्यार में बंदी है, अपने डैडी के सबक सिखाना चाहती, देखो मैं ये हूँ ऐसा बन के दिखाऊंगी, नाम का काफ़ी अच्छी था, जो स्क्रिप्ट जो उनको दिया था अच्छी तरह से उन्होंने एक्टिंग करके,
नहीं, पार्ट वन का अलग स्टोरी है, पार्ट वन अलग डायरेक्शन में गया था, वो अलग मूवी था, तेरी गलियां वो अलग मूवी था, और ये अलग अलग तरीके से, दोनों को कंपेयर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट अलग था, उसके डायलॉग अलग थे, इसके सस्पेंशन अलग थे, इसमें जॉन एब्राहम, इसमें जो जू का दिखाया, जॉन एब्राहम जो दिखाया ना शेर को जाके सामने खड़ा हो गया, बंदा शेर को डरा रहा वरा रहा, मैं बोला ये सब क्या यार, हमारे लाइफ में हम लोग नहीं कर पाएंगे। लास्ट को एंडिंग में फिर जो रितेश देशमुख को दिखाया, जो मुझे लगता है वो बच्चा ही है शायद, जो रितेश देशमुख जो बोला मैं आपका वो करूँगा अच्छी तरीके से, और अब 3.5, आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस प्लीज कम एंड एंजॉय द शो, यू विल एंजॉय। 3.5 लाइक बोलते ना पूरी कम्प्लीटली 5 है, थोड़ा मतलब जो गाने एक जो बोलते ना, नहीं इससे मैं गाने वाने जो बोलते ना, जो एक तेरी गली है वो पहले के ही है, अभी के गाने में मतलब ये जो कुछ जरा ये जो पैकेज जो बोलते ना थोड़ा मतलब इनकम्प्लीट लगा, लेकिन मूवी इंटरेस्टिंग, आप इंटरेस्टिंग आप इंजॉय कर रहे हो, आप बोर नहीं हो रहे हो। थिएटर में बैठ के वॉशरूम जाना था, मतलब नहीं जाऊंगा तो यार सीन चला जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा पिक्चर, उसके लिए बाकी कोई रीज़न नहीं रहा डेट काटना, यू कैन टेक लाइक 4 ऑल्सो, यू कैन इन्जॉय। मैं बोलूँगा फैमिली ऐसा कुछ नहीं, जो बोलते फैमिली फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते मूवी, अरे यार अच्छी खासी फैमिली, ऐसा कुछ नंगा विंगा कुछ नहीं दिखाया यार, बिना मतलब का पिक्चर का सत्यानाश कर रहे हैं लोग यार। हाँ भाई आओ यार फैमिली के साथ और बच्चे के साथ एंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं मूवी में दिखाया, कोई बोल्ड सीन नहीं है, ऐसा तो घर पर बैठ के सीरियल पर भी बैठ के हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है। अच्छी थी उसमें, बस पुरानी याद कुछ आ गई, जैसे कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या धोखा दे के चली गई, ऐसा कुछ। आपने वो नहीं देखी थी, एक विलन? नहीं वो नहीं देख पाई, नहीं वो नहीं देखा। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन लगे हीरो? हीरो मेरे को रणवीर कपूर, वो रणवीर का वो जॉनी लीवर मस्त लगा। जॉनी लीवर? हाँ। और हीरोइन में कौन अच्छी है? हीरो नहीं जानता मैं, हीरोनी से मतलब नहीं है, पांच में से पांच ही दूंगा। एक विलन रिटर्न ही देख के आ रहे हो ना? हाँ। अच्छी थी, अच्छी थी। हाँ। नहीं ठीक है, इतना खास नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगा? मुझे कि कुछ सस्पेंस में मालूम नहीं पड़ता क्या है, कौन विलन है, कौन है, कभी लड़की विलन हीरोइन है, कभी वो विलन, कुछ समझ में नहीं आता। आपने वन देखा था, एक विलन जो पहला वाला? हाँ हाँ देखा था। तो उसमें और इसमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या मतलब क्या चीज खराब लगी? खराब बोलेगा तो पिक्चर को समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये मार रहा है अर्जुन मार रहा है, फिर वो जॉन एब्राहम मार रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मूवी तो खत्म हो गया, बाहर आ गया तो ये तो पता चल गया तो कि विलन को विलन तो यही हो जॉन एब्राहम हो गया। त्रि त्रि ठीक है भाई, बढ़िया एकदम परफेक्ट लगी है। बस और पैसे।